वेलकम टू एवरीवन। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये हमारा मैथमेटिक्स होने की क्वेश्चन पेपर है। पेपर 13 लिखा हुआ है और यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो कि हमारा 19 से 22 सेशन का क्वेश्चन पेपर है। और पेपर 13 है तो मीन्स हमारा क्या सेमेस्टर 6 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन होती है वो कंपलसरी होता है। ये हमारा वीवी यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर ये हमारा था, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है कंपलसरी होता है, 10 क्वेश्चन होता है, 2-2 मार्क्स का होता है, ठीक है। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है दिस वन, ठीक है, देख सकते हैं दिस। देन उसके बाद 2 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, उसी में से है, ठीक है, दिस। ओके, देन उसके बाद है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन। देन उसके बाद 4th नंबर, जो कि बैनेज फिक्स पॉइंट थ्योरम है, और एक हमारा है एक और थ्योरम है, लॉन्ग थ्योरम, 20 मार्क्स का आता है। दो ही क्वेश्चन आता है जो 20 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पे हम दोनों क्वेश्चन दिए हुए थे, तो एक क्वेश्चन हमारा आया हुआ एग्जाम में। ओके, देन 5 नंबर जो है वो हमारा आ जाता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। तो 5 नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से है, देख सकते हैं। देन उसके बाद दिस वन ऑल्सो 6-7 नंबर जो भी है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ही है। एंड लास्ट वन इज 8, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन पेपर थे, ठीक। और अगर क्वेश्चन पेपर 14 और DSC 3 और DSC 4 जानना है, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट एक बार जाके चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।